मित्रों चय माता दी कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट में चय माता दी जरूर लिखें माता रानी आप सभी का कल्याण करेंगी मित्रों वर्ष 2024 में गोपा अष्टमी कब है जानिए सही तीन तारीख क्या है पूजा विधि क्या है और अष्टमी तिथि कब शुरू होगी कब समाप्त होगी जानेंगे इस वीडियो में लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे मित्रों हिंदू धर्म में गोपा अष्टमी व्रत का विशेष महत्व है इस दिन गौ माता और उनके बच्चों को सजाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है गोपा अष्टमी हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है यह पर्व मुख्य रूप से मथुरा वृंदावन समेत सभी ब्रज क्षेत्रों का प्रसिद्ध त्योहार है ऐसी मान्यता है कि गौ माता का पूजन करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है इसलिए इस दिन गायों की पूजा करना बहुत शुभ और फलदायी होता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं मित्रों पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को इंद्र की क्रोध से बचाने के लिए गोवर्धन पूजा के दिन अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था जिसके नीचे सभी ब्रजवासियों ने बाढ़ से बचने के लिए शरण ली थी ब्रज क्षेत्रों में सात दिनों की निरंतर बाढ़ की बाद भगवान इंद्र का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने गोपाअष्टमी के दिन ही अपनी हार स्वीकार की थी इसलिए गोपाअष्टमी का त्यौहार पूरे व्रत क्षेत्रों में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है मित्रों अब गोपाअष्टमी व्रत की पूजन करने की विधि को भी जान लेते हैं जो इस प्रकार है मित्रों गोपा अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर और मंदिर की साफ सफाई करें इसके बाद मंदिर में गाय माता के बछड़े के साथ एक तस्वीर लगाएं और घी का दीपक जलाएं इसके बाद फूल अर्पित करें और इस दिन गाय को अपने हाथों से हरा चारा खिलाकर गौ माता का चरण स्पर्श करें मित्रों अब आपको बता दें कि वर्ष 2024 में गोपा अष्टमी नौ नवंबर दिन शनिवार को मनाई जाएगी अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 8 नवंबर 2024 तो को रात्रि ग्यारह बजकर छप्पन मिनट पर अष्टमी तिथि समाप्त होगी 9 नौ नवंबर 2024 तो को रात्रि दस बजकर पैंतालीस मिनट पर